देखिए यहाँ पे हम लोग हर्डमानिया के ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हर्डमानिया। इसमें है क्या, फर्स्ट लाइन बोल रही है कि नो वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ हर्डमानिया टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड विच इज मेंटेन बाय पेरिस्टाल्टिक वेव्स। हो गया, यहाँ देखिए हर्डमानिया के हार्ट में किसी तरह का वॉल्व नहीं है, ठीक है, हर्डमानिया के हार्ट में किसी तरह का वॉल्व नहीं है जो जो हर्डमानिया के ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता हो या रोकता हो। यहाँ पे है क्या कि हर्डमानिया के ब्लड में रुधिर के बहाव को नियमित करने के लिए, रुधिर के बहाव को नियमित करने के लिए एक नाशपाती नुमा संरचना है, नाशपाती नुमा पिंड है, ठीक है, छोटा सा पिंड है जो रुधिर में जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स उठ रही हैं, क्रमानुकुंचन गतियाँ जो उत्पन्न हो रही है हार्ट के वॉल में, ठीक है, उसको बनाए रख रहा है। इसके बाद क्या है, हाउएवर, पढ़िए, यूनिक इन एनिमल किंगडम है क्या, जितने भी एसीरियन हैं इनका हार्ट जो होता है वो यूनिक होता है, औरों के कंपेरिजन में बिल्कुल अलग होता है एनिमल किंगडम में। फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू इट्स रिवर्स पेरिस्टाल्टिक एंड एट रेगुलर इंटरवल। होता क्या, इनके ब्लड में, इनके हार्ट में ये अपने रुधिर के बहाव को निश्चित समय अंतराल पे टाइम टाइम पे उल्टे दिशा में कर सकते हैं। जैसे एक बार वेंट्रल साइड टू डॉर्सल साइड ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो कुछ समय बाद रुधिर का जो सर्कुलेशन होगा, बहाव जो होगा, वो डॉर्सल से वेंट्रल की ओर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है द आर्टरीज एंड वेन्स चेंज देयर रोल व्हेन रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड कोर्स पीरियडिकली। जब हृदय अपना काम करेगा और विपरीत दिशा में या उल्टे दिशा में रुधिर के बहाव को अलाउ करेगा, पहुंचाएगा, तो आर्टरी और वेन्स का भी जो काम है वो बदल जाएगा, ठीक है, जो ट्यूब्स ब्लड ट्यूब्स हैं उसका कार्य बदल जाएगा। ओके, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द हार्ट बीट वेंट्रोडॉर्सली, जब हार्ट बीट जो है वो वेंट्रल साइड से अगर डॉर्सल साइड की ओर है तो बीट वेंट्रोडॉर्सली इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो कलेक्ट होगा कहाँ से, कलेक्टेड थ्रू वेंट्रल एवोटा, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, हाँ ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फेरिंजियल वॉल से आएगा, गिल से होके आएगा, और कहाँ इकट्ठा होगा, तो वेंट्रल एवोटा में इकट्ठा होगा फ्रॉम ब्रैंकियल सैक, ब्रैंकियल सैक से और टेस्ट से, ठीक है, और यह ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है पंप कर दिया जाएगा किसमें, तो कॉर्डियो विसरल वेसल में, याद रखिएगा, कॉर्डियो विसरल वेसल में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और वहाँ से वो शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाएगा, वहाँ से वो शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप क्या देखोगे, अब अगर शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया गया है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया गया है टाउन में, ठीक है, तो शरीर में जो भी रुधिर है अगर वो ऑक्सीजन युक्त है तो वहाँ पर क्या होगा, उस ऑक्सीजन का यूज करने के बाद शरीर का वो भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा, ऑक्सीजन को जब उपयोग में लाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वो ब्लड से कम हो जाएगी, है ना, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ब्लड से कम हो जाएगी, और इसे फिर जो वेसल कलेक्ट करेगा उसे बोलते हैं ब्रैंकियो विसरल वेसल, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रैंकियो विसरल वेसल उसे एकत्रित करेगा विच पास्ड इनटू डॉर्सल एवोटा, यहाँ से इसे यह डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डॉर्सल एवोटा तक पहुँचा देगा, और डॉर्सल एवोटा से यह ब्लड ट्रांसवर्स विसरल वेसल के थ्रू फिर से ऑक्सीजनेट होने के लिए कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, तो फेरिंजियल वॉल में पहुँचा दिया जाएगा, गिल्स के पास पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है, टू अंडरग्रोज फेस साइकिल, इसके साथ ही साथ एक नई साइकिल रुधिर परिसंचरण की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब यह विपरीत दिशा में अपना पल्सेशन करता है, हार्ट बीट करता है, तब क्या होता है कि डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन से, याद रखो डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है किसमें, तो कॉर्डियो विसरल वेसल में, ठीक है, कॉर्डियो विसरल वेसल में फ्रॉम द विसरा या विसरल ऑर्गन से, और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाता है किसमें, हाँ, इनटू वेंट्रल एवोटा, वेंट्रल एवोटा में, हो गया, एंड वेंट्रल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ट्रांसवर्स ब्रैंकियल फेरेंजियल पेरीफेरेंजियल एंड सब टेंटिकुलर एंड टेस्ट वेसल्स, ठीक है।
जब ये वेंट्रल एवोटा में अशुद्ध रुधिर आया हुआ है, डिऑक्सीनेटेड रुधिर आया हुआ है, तो इसे भेज दिया जाएगा कहाँ? तो ट्रांसवर्स ब्रैंकियल रीजन में, पेरीफेरेंजियल रीजन में, ठीक है, सब टेंटिकुलर में और टेस्ट वेसल में, इन सारे वेसल्स में डाल दिया जाएगा। ये क्या करेंगे? ये उन जगहों तक डिऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे जहाँ ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? फिर ये कलेक्ट किया जाएगा डॉर्सल एवोर्टा के थ्रू, और डॉर्सल एवोर्टा इसे वापस पहुँचा देगा विसरल ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन में थ्रू ब्रैंकियो विसरल वेसल, ठीक है, ब्रैंकियो विसरल वेसल के माध्यम से। और डॉर्सल एवोर्टा इसे विसरल ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचा देगा, जहाँ वापस ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा, और विसरल ऑर्गन से ये वापस पहुँचाया जाएगा कहाँ? तो कार्डियो विसरल वेसल के थ्रू, ठीक है, हार्ट में, हार्ट में, और फिर से एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। जैसा कि हम लोग ऊपर डायग्राम में देख रहे हैं, और इसमें डायग्राम में नंबरिंग किया हुआ है, नंबर एक बनाया हुआ है इसमें ब्रैंकियल वेसल को दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट साइड, और नंबर टू जो है वेंट्रल एवोर्टा है, नंबर थ्री जो है हार्ट है, नंबर फोर जो है कार्डियो विसरल वेसल है, नंबर फाइव जो है विसरल ऑर्गन और टेस्ट है। यही विसरल ऑर्गन और टेस्ट ही वो भाग हैं जहाँ ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग होगा। यानी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो उसका यूज होगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डॉर्सल एवोर्टा के थ्रू आए या वेंट्रल एवोर्टा के थ्रू आए, ठीक है, अब हार्ट बीट चाहे जिधर से हो, वेंट्रल टू डॉर्सल हो, डॉर्सल टू वेंट्रल हो, विसरल ऑर्गन और टेस्ट में ब्लड पहुँचने के बाद उसका ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर यूज हो जाएगा तो जिस भी डायरेक्शन जाएगा, इस अंग को जब वो पार करेगा तो जो भी वेसल उसे रखेगी, जैसे ब्रैंकियो विसरल वेसल के पास वो ब्लड पहुंच रहा है विसरल ऑर्गन से होकर के, तो वो भी डिऑक्सीजनेटेड होगा, या फिर ऊपर से आ रहा है और कार्डियो विसरल वेसल में आ रहा है तब भी वो डिऑक्सीजनेट हो जाएगा। यानी और इन अंगों में आने के बाद रुधिर को, ब्लड को डिऑक्सीजनेट होना है, क्लियर, और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। जैसे डॉर्सल एवोर्टा से ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त है, तो ये आएगा ब्रैंकियो विसरल वेसल में, फिर यहाँ से विसरल ऑर्गन और टेस्ट में, फिर डिऑक्सीजनेट होकर के कार्डियो विसरल वेसल में, फिर हार्ट में, हार्ट इसे पंप कर देगा वेंट्रल एवोर्टा में, और वेंट्रल एवोर्टा से निकल जाएगा ब्रैंकियल वेसल में, ब्रैंकियल वेसल से वापस जब प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, वापस डॉर्सल एवोर्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन जो होगा हर्डमानिया का वो पूरा होता है। इसे आप ध्यान से देखें।